शूटर संजीव जीवा की हत्या करने पहुंचे शूटरों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। शूटर के साथ तीन लोग मौजूद थे जो शूटर को बैकअप दे रहे थे और मर्डर मिस होने पर तीनों बैकअप सपोर्ट करते। क्या था गैंगस्टर की हत्या का प्लान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोर्ट में मर्डर के मामले में अब पुलिस की जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने जांच की कमान संभाली है। कल रात एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची थी। गैंगस्टर संजीव जीवा पर 6 गोलियां दागी गई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल रिवॉल्वर को बरामद कर लिया है। इस बीच खुलासा हुआ है कि हत्यारों ने प्लान बी भी तैयार किया था। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या करने पहुंचे शूटरों ने प्लान बी भी तैयार रखा था। शूटर के साथ तीन लोग मौजूद थे जो शूटर को बैकअप दे रहे थे और मर्डर मिस होने पर तीनों बैकअप सपोर्ट करते। तीन लोग के साथ शूटर जीवा की हत्या करने पहुंचा था। मुख्य शूटर ने 7 दिन में रेकी की और फिर हत्या को अंजाम दिया। आजीवन कारावास की सजा काटते संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव को एक शूटर ने बुधवार को सैकड़ों वकीलों, ना जाने कितने पुलिस वालों के सामने ही कोर्ट के भीतर गोली मार दी। संजीव जीवा की हत्या सिर्फ एक माफिया की हत्या नहीं, बल्कि अदालत में घुसकर उत्तर प्रदेश में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावों को छलनी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।